जब भारत में मुगलों का राज था तो तब औरंगजेब ने अपने शासन के समय इस्लाम अपनाने की बाध्यता की और जो इस्लाम नहीं स्वीकारता उसकी हत्या कर दी जाती। ऐसा ही आदेश मुगलों ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को दिया और इस्लाम धर्म अपनाने को कहा, परंतु गुरु गोविंद सिंह ने इनकार कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। जब सन 1704 में मुगलों के साथ चमकौर में गुरु गोविंद सिंह का युद्ध हुआ तो तब उनके दोनों बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह लड़ते हुए शहीद हो गए और उनके छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपनी दादी के साथ थे। चूंकि आनंदपुर साहिब दुर्ग को मुगलों द्वारा घेराबंदी के कारण गुरु गोविंद सिंह ने छोड़ दिया था और पूरा परिवार कड़ाके की सर्दी में बिछुड़ चुका था, तभी गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादे अपनी दादी के साथ रसोइये के घर पर शरण के लिए रुके। परंतु कहा जाता है उस रसोइये ने ही विश्वासघात से उन्हें पकड़वा दिया। उन्हें पकड़कर सरहिंद के सूबेदार वजीर खान के पास ले जाया गया। वजीर खान ने उन दोनों साहिबजादों को इस्लाम अपनाने को कहा। उन्हें इसके लिए अनेकों लालच दिए परंतु वे नहीं झुके। अंत में वजीर खान ने उन दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी श्रद्धा रही होगी उन दोनों में, जिनकी उम्र 7 वर्ष और 9 वर्ष की थी, परंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज वहीं पर फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा बनवाया गया है जो कि पंजाब राज्य में है। इसी की याद में भारत सरकार हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाती है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे YouTube चैनल पुस्तक बोध से।